कोरोना महामारी ने आम लोगों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरी चोट की है। देश भर में बिजनेस ठप हैं, लोग बेरोजगार हैं और मजदूर पाई पाई के लिए मोहताज दिख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में मजदूरों का भी एक वर्ग ऐसा है जो लॉकडाउन की वजह से बेसहारा हो गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए अब केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने मजदूरों के न्यूनतम वेतन को लेकर एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक राजधानी के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन को 15,400 रुपये से बढ़ाकर 15,908 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 17,069 रुपये से बढ़ाकर 17,537 रुपये, कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 18,797 रुपये से बढ़ाकर 19,291 रुपये किया गया है। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी दर भी बढ़ाई गई है। अब गैर मीट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17,069 से बढ़कर 17,537 रुपये, मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का वेतन 18,797 से बढ़ाकर 19,291 रुपये, स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक मजदूरों का वेतन 20,430 से बढ़ाकर 20,976 कर दिया गया है। वहीं मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को लेकर दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि कोरोना के कारण आज समाज का हर वर्ग आर्थिक रूप से भी प्रभावित हुआ है। असंगठित क्षेत्र के महंगाई भत्ते पर रोक नहीं लगाई जा सकती है, जिन्हें सामान्यतः केवल न्यूनतम मजदूरी मिलती है, इसीलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते से जोड़कर नए न्यूनतम वेतन की घोषणा की है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी के मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है। वहीं सरकार के इस कदम से कम 55 लाख कॉन्ट्रैक्चुअल श्रमिकों को फायदा पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।